और सबका विकास के मंत्र को अपनाकर हरियाणा आज देश का सिरमौर बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार तमाम तरह की योजनाओं और विकास कार्यों को गति देकर हरियाणा सरकार एक सशक्त प्रदेश बनाने के अपने सपने और संकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों से आज 2010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की लगभग 170 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, सिंचाई, परिवहन व ढांचागत सुविधाओं के साथ विकास योजनाओं का प्रवाह प्रदेश के कोने कोने तक मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अगुवाई में होने जा रहा है। मकसद केवल एक ही है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर भी खुशी झलके और प्रदेश का कोई भी हिस्सा विकास परियोजनाओं से अछूता न रहे। खिल रहे हैं चेहरे, जगमगा रहा है प्रदेश। इसी कड़ी में बिजली आपूर्ति को और समृद्ध करने की दिशा में जहां एक तरफ फरीदाबाद सेक्टर 58 में 53 करोड़ की लागत से तैयार 220 केवी के सब स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है, तो वहीं सेक्टर 23 में 20 करोड़ की लागत से तैयार 66 केवी के एक सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इस अवसर पर पानीपत में 33 केवी के 8, सोनीपत में 1 और सिरसा में 1 सब स्टेशन का उद्घाटन भी किया जा रहा है। सिरसा में 132 केवी का एक और सब स्टेशन इस मौके पर वहां की जनता को समर्पित किया जा रहा है। इन सब की कुल अनुमानित लागत लगभग 60 करोड़ रुपए है। 105 करोड़ से अधिक की लागत से सिरसा में 33 केवी के साथ हिसार में 4, जींद में 1, रेवाड़ी में 4 और फरीदाबाद में 66 केवी के एक सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया जा रहा है। लगभग 58 करोड़ रुपए से पलवल में 66 केवी के एक सब स्टेशन का उद्घाटन और 220 केवी के एक सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया जा रहा है। सड़क और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में जहां एक तरफ फरीदाबाद में एक्सप्रेसवे 2 और 4 लेन सड़कों के सुधार कार्य की नींव रखी जा रही है, तो वहीं फतेहाबाद में भी सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 450 करोड़ रुपए से सड़क और परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए हिसार, झज्जर और कैथल में भी कई सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ करनाल स्मार्ट सिटी के तथा अन्य विभागों की योजनाओं के अंतर्गत खेल सुविधाएं, सब स्टेशन, सड़क, भवन, लगभग 340 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार समर्पित हरियाणा सरकार फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, नुह और सोनीपत में भी इस मौके पर तकरीबन 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई स्कूलों के शिलान्यास के साथ साथ कुछ स्कूलों का उद्घाटन भी कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सजग हरियाणा सरकार आज 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से रोहतक, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल और जींद में कई स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं और पुनर्वास केंद्रों का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रही है। इन सब के बीच महाग्राम योजना के तहत गुरुग्राम में तकरीबन 21 करोड़ की लागत से सीवर और ट्यूबवेल लगाने के काम का शिलान्यास भी किया जा रहा है। हर किसान के खेत में पानी पहुंचे इस दूरदर्शिता के साथ
प्रदेश सरकार निरंतर कार्यरत है। फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक और पंचकुला जिलों में लगभग 123 करोड़ की लागत से नहरों के नवनिर्माण, जीर्णोद्धार व ब्रिज निर्माण सहित सिंचाई की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में 4 करोड़ 22 लाख की लागत से तैयार 22 मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन हो रहा है। तमाम विकास कार्यों के बीच चरखी दादरी में लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए सचिवालय की नींव भी आज रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त पूरब में करनाल से लेकर पश्चिम में सिरसा तक, उत्तर में पंचकुला से लेकर दक्षिण में नूह तक हरियाणा के कोने कोने में भवन निर्माण, बस स्टैंड, पुल निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, पुस्तकालय, सीवर और पार्क जैसी अनेक सुविधाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर भी तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 2010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के तकरीबन 170 विकास कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज हरियाणा की जनता को समर्पित कर रहे हैं। मिसाल बने हरियाणा, बेमिसाल बने हरियाणा। निस्संदेह ही आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि पूरे राज्य भर की कुछ विशेष परियोजनाएं उनको अपने करकमलों से बटन द्वारा उनका लोकार्पण करें। इस कड़ी में सबसे पहले करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की परियोजना है मिक्स यूज डेवलपमेंट शक्ति कॉलोनी ईपीसी मोड पर, जिसकी कीमत लगभग 107 करोड़ रुपए है। तो इसका शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा। इसके पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की सिविल हॉस्पिटल 200 बेडेड कंस्ट्रक्शन होना है ये फतेहाबाद में। तो इसके पश्चात एचवीपीएन की दो परियोजनाएं हैं, 220 केवी का जीआईएस सब स्टेशन है फरीदाबाद में जिसका कि उद्घाटन होना है, और 220 केवी का सब स्टेशन पलवल में है जिसकी की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। इसी कड़ी में आगे पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर विभाग की तीन परियोजना है, जो करनाल मेरठ रोड है हरियाणा यूपी बॉर्डर तक, इसकी 6 लेनिंग 4 लेनिंग है जो 130 करोड़ रुपए की परियोजना है, इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। दो और परियोजनाएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण, 2 लेन रोड फरीदाबाद जसाना छिरसी मंझावली शेखपुर, ग्रेटर नोएडा से कनेक्टिविटी फरीदाबाद से इसकी होगी, इंप्रूव होगी। तो ये लगभग 100 करोड़ की परियोजना है जिसके की आधारशिला मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। तीसरी परियोजना पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर की सूर्यवाला चौक से उकलाना भूना फतेहाबाद रोड, इसकी इंप्रूवमेंट है लगभग 80 करोड़ रुपए की परियोजना, इसकी आधारशिला भी माननीय मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। इसके पश्चात हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की दो परियोजनाएं हैं, ये भी जो कनेक्टिविटी है उससे इंप्रूव करने के संबंध में है, पलवल हथीन उतावड़ रोड इसका सुधारीकरण है, सुदृढ़ीकरण है, ये लगभग 74 करोड़ की परियोजना है जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसके बाद फरीदाबाद शहर की केजीपी एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बल्लभगढ़ छायसा मोहना रोड का सुधारीकरण है जो लगभग 73 करोड़ रुपए की परियोजना है, इसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कमलों से हो रहा है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग की कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम है रघुनाथपुरा रेवाड़ी में, जिसमें 25 गांव और 3 ढानियों को पानी मिलेगा, इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जिसके महोदय से अब किया जा रहा है। और अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण,
जो नया सेक्रेटरेट है चरखी दादरी, जो नया जिला हमारा बना था, उसका जो नए सेक्रेटरेट के भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे, जिसकी परियोजना की कुल लागत लगभग 72 करोड़ रुपए है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ करनाल जिले की जो अन्य परियोजनाएं हैं उसका भी लोकार्पण एवं शिलान्यास अपने करकमलों से करें। साथ ही हमारे अन्य पूरे समस्त प्रदेश में 21 जिलों से जो जुड़े हुए हमारे अन्य विशिष्ट अतिथिगण हैं, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य सभी अन्य विशिष्ट अतिथिगण, उन सबसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप अपने करकमलों से इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण करें। और मैं साथ ही सबसे अनुरोध करूंगा कि लगभग 10 मिनट के बाद हम पुनः एकत्रित होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन एवं उद्बोधन के लिए। बीच में पटौदी के माननीय विधायक श्री सत्य प्रकाश जरावता जी पहुंचे हैं। मैं डी साहब से निवेदन करूंगा कि वे श्री जरावता जी का यहाँ विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ता हरियाणा आज राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक उम्मीद का नाम बन चुका है। मैं आज जब हरियाणा की धरती के लोगों से बात कर रहा हूं, मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। सबका साथ और सबका विकास के मंत्र को अपनाकर हरियाणा किया जा रहा है। सभी अन्य विशिष्ट अतिथिगणों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं उनके आशीर्वचन एवं उद्बोधन के लिए। आज के इस एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर, ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हम लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी 22 जिलों से आज अधिकारीगण, नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, जनता के सभी प्रियजन जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश और केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जनता से जुड़े हुए सभी बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ कि आज इस अवसर पर पूरा प्रदेश एक साथ मिलकर के हरियाणा की इस विकास गाथा के लिए विचार कर रहा है। ये हमारी हरियाणा की आगे बढ़ने वाली हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारे जो सरोकार हैं, उसमें अब सब मिलकर के जब चिंतन करेंगे तो इस आगे बढ़ते हुए हरियाणा को और विकसित करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज एक और अवसर भी है जिसको याद करते हैं, श्री राधा अष्टमी का दिन है। श्री राधा अष्टमी के दिन पर
आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल 5 सितंबर है, 5 सितंबर हमको मालूम है शिक्षक दिवस के रूप में हम अपने देश में इसको मनाते हैं। अपने उन गुरुजनों का, शिक्षकों का, जिन्होंने हमारे जीवन का निर्माण किया है, उनको हम याद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान एक व्यक्ति के निर्माण में हमारे शिक्षक का होता है, उनको भी हम अपनी ओर से सम्मान करते हुए उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जैसा हम जानते हैं किसी भी देश या प्रदेश उसका जो विकास का एकमात्र, मैं कह सकता हूँ, अगर कोई एक फैक्टर होता है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना ही उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहाँ उद्योग आएगा, निवेशकों की वो पसंद बनेगी, रोजगार अधिक मिलेंगे और हमारा जो आर्थिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियाँ वो और आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से एक विकास की कहानी सीधी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। जब मुजफ्फर का मेट्रो रेल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद में आए थे, उन्होंने उस समय कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी, चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, ईवेज हो, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण से हम अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमारा इसमें विचार है। हरियाणा सरकार भी लगातार पिछले 8 वर्ष से अपने जो बजट को है इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड करने के लिए बजट का आवंटन लगातार बढ़ा रही है। हमारे से पूर्व सरकारों का जो बजट आवंटन होता था वो बजट का 25 से 30% होता था, लेकिन हमने लगातार आकर के 30% से इसको ऊपर रखा है। इस बार का रिकॉर्ड बजट आवंटन 34.4%, यानी 1/3 से ज्यादा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाते हैं, ये हमारी एक उपलब्धि है। बंधुओं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम पहले भी कोविड के कारण से हमको ये करने पड़े, मैं कह सकता हूं, और लगातार आज जैसे ये 5वां इस प्रकार का ऑनलाइन कार्यक्रम शिलान्यास उद्घाटन का ये किया जा रहा है। कोविड भले अब समाप्ति की ओर है लेकिन फिर भी पिछले प्रोजेक्ट्स काफ़ी समय के जो रुके हुए थे उसमें समय, खर्च, इन सब को बचाने के लिए आज भी हमने ये 5वां कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। अभी तक के जो 4 कार्यक्रम इससे पहले हुए हैं वो चाहे 2019 मार्च में हुआ हो, अक्टूबर 2020 में हुआ हो, मार्च 2021 में किया हो या जून 2021 में किया है, ऐसे 4 कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर 766 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया, जिसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ये जनता को समर्पित की गई थी। और उसी में आज ये 5वां कार्यक्रम जिसमें बताया गया लगभग 175 के आसपास योजनाएं, ये आज शिलान्यास उद्घाटन इसका हुआ है पूरे प्रदेश में सभी 22 जिलों में, और 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर 2,038 करोड़ रुपए की ये सब परियोजनाएं और इसके अंदर ये सब हुई है। मित्रों, जैसे कोविड में मैंने बताया कि हमारा सबका मिलना जुलना, जनता से संपर्क प्रत्यक्ष कम हुआ, हम तकरीबन सब वर्चुअल मीटिंग्स और इस प्रकार की सभाएं भी ना करके हमने उनकी जो संपर्क बनाकर रखा वो ऑनलाइन संपर्क ज़्यादा था। हालांकि उसके अपने बहुत लाभ भी हुए, हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी पढ़ाई भी बहुत बाधित हुई, जहां प्रतिदिन किसी भी प्रसंग से, कारण से लोग इकट्ठे होते थे, चाहे उद्योग जगत के लोग होते थे, चाहे बाजारों में विषय आता था, उन सबको अपनी दूरी बनाकर रखने के कारण से वो हमारी सारी चीज़ें बाधित हुई थी। लेकिन अब वो सब ठीक हुआ है और आगे पुनः वो जो पुराने वाला सिस्टम है वो लगभग अपने उसी हिसाब से आ रहा है। हमने इस दौरान भी अपनी रैलियां जो करनी शुरू की पूरे हरियाणा में, अक्टूबर 21 के बाद 10 प्रगति रैलियां ये प्रदेश के कई जिलों में की हैं, बाकी जिले जो बचे हैं उनमें भी
आगे अगले समय में ये सब रैलियां हम करेंगे और जितनी जितनी आवश्यकताएं वहां बताई जाती हैं उन सब का ध्यान रखते हुए और वहां घोषणाएं करके और उन कामों को उद्घाटन और शिलान्यास के माध्यम से ये पूरा किया जाता है। 2015 में ही हमने आते ही घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और अभी पिछले बार के बजट में हमने घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल होगा। तो ये योजनाएं इस पर हम काम कर रहे हैं, घोषणाएं सब पूरी हो चुकी हैं मेडिकल कॉलेजेस की, अब उनके शिलान्यास और उद्घाटन इस प्रकार से सब काम चल रहे हैं और जब सभी मेडिकल कॉलेज हमारे तैयार होंगे लगभग 3000 डॉक्टर्स इनको एडमिशन MBBS का ये मिलना शुरू हो जाएगा और मैं समझता हूँ एक अच्छी संख्या में डॉक्टर्स की उसके बाद ये होनी शुरू हो जाएगी। आज जो डॉक्टर्स की कमी जगह जगह दिखाई देती है उसको हम पूरा कर पाएंगे। अस्पतालों का जहाँ तक जिला केंद्रों पर 200 बेड का और जिला केंद्रों के अतिरिक्त कुछ प्रदेश में 6 स्थान 7 स्थान ऐसे भी हैं जो जिला केंद्र ना होने के बावजूद भी बड़ा स्थान है और जिलों जिला केंद्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भी 100 बेड के हॉस्पिटल ऐसे सब मंजूर कर दिए हैं ताकि चिकित्सा सेवा में किसी प्रकार की कमी न रहे। आज भी फतेहाबाद के एक 200 बेड के हॉस्पिटल का ये शिलान्यास उद्घाटन किया है वहाँ के कार्यक्रम में। तो इसी प्रकार जहाँ तक शिक्षा का विषय है, कॉलेजेस का मैपिंग कराने के बाद हमें जहाँ जहाँ 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज नहीं है वहाँ चाहे कोएड का कॉलेज अथवा महिला कॉलेज, इसको हमने खोला है। पिछले 8 साल में लगभग 72 कॉलेज ऐसे नए शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं जिसमें आधे से अधिक महिलाओं के छात्राओं के जो कॉलेज हैं वो हमने खोले हैं। तो इसका भी हम लगभग पूर्ण कर चुके हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी में कोई नई कॉलेज अवश्य है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सरकारी कॉलेज ना होकर के शायद प्राइवेट कॉलेज होगा, वहाँ भी जो गरीब छात्र छात्राएं हैं खास करके 1,80,000 रुपये की आय से नीचे के जितने विद्यार्थी हैं उन सब की फीस सरकारी है तो फ्री होगी, प्राइवेट अगर कोई फीस लेते हैं तो उसको हम सरकार की ओर से रिमबर्स करना करेंगे ताकि ऐसे गरीब विद्यार्थियों को कोई फीस अपने पास से न देनी पड़े, ऐसा हम कर रहे हैं। जहाँ तक स्कूली शिक्षा है इसमें भी सुधार किया जा रहा है। स्कूलों का यानी शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल ये हम खोलने जा रहे हैं। लगभग 138 ऐसे स्कूल खुल चुके हैं, इस साल का 500 नए स्कूल खोलने का, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का ये हमारा टारगेट है। जहाँ तक घर में सुविधाएं, जैसा हम देखते हैं रसोई के अंदर गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री जी के योजना अनुसार हर रसोई में ये गैस का कनेक्शन हरियाणा में पहुंच चुका है। आज एक भी रसोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर गैस का कनेक्शन न हो, चाहे वो शहर है गांव है दूर दराज का एरिया वहां भी। ऐसे ही दूसरा विषय वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जल से नल से जल हर रसोई में पहुंचाने का जो काम आह्वान किया था इसके अंतर्गत भी जल जीवन योजना में हर घर में गांव में शहर में रसोई के अंदर नल पहुंच चुका है। उसकी आवश्यकताएं पानी की क्योंकि बढ़ी हैं इसलिए पानी की आवश्यकता पहले जितनी थी उसको, क्योंकि वहाँ हर घर में अब चूंकि शौचालय भी हो गया है सीवरेज भी गांव-गांव में डल रहे हैं, उस पानी की मात्रा को बढ़ाने का भी हमने संकल्प लिया है। इस वर्ष शहरों में भी पानी की जो आवश्यकता बढ़ी है उसको भी पूरा करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो पहले कहीं 50 लीटर 55 लीटर पानी घर हर व्यक्ति के लिए दिया जाता था वो मांग के हिसाब से 135 लीटर जो होने की यानी एक आवश्यकता है उसको धीरे धीरे उसको भी हम पूरा करेंगे। बिजली का जहां तक विषय है, हर गांव में हर मोहल्ले में हर घर में 24 घंटे बिजली मिले, इस पर हमने जो मेरा गांव जगमग गांव योजना चलाई थी आज मुझे खुशी है बताते हुए कि 80% गांव में लगभग 6500 गांव में से 5600-5700 गांव के अंदर और हमारी जो बिजली है 24 घंटे पहुंच रही है। केवल मात्र 1000 के आसपास गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत शीघ्र हम जो है 24 घंटे बिजली पहुंचाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी उसको भी दूर करेंगे। जहां कहीं लोगों को बिल भरने की आदत नहीं है उनसे भी निवेदन करेंगे कि उसकी डिफ़ॉल्ट अमाउंट उसको ख़त्म करें, मीटर जो है घर से बाहर लगाएं। तो इन सारी बातों को पूरा करने के बाद आने वाले समय में 100% गांव 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। तो मित्रों ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हमने की है। जहाँ तक उद्योग का विषय है,
बड़े उद्योग निवेशक हरियाणा में बहुत आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट, यानी आज दिल्ली के आसपास का, एयरपोर्ट के आसपास का ये हमको लाभ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमको लाभ है, दिल्ली के चारों तरफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। देश और दुनिया का जो इन्वेस्टर है वो हरियाणा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बड़े बड़े उद्योग ये सारे आ रहे हैं, जैसा हमने पीछे देखा कि मारुति को भी जब विस्तार की अपनी आवश्यकता महसूस हुई तो किसी और प्रदेश में न जा करके हरियाणा में ही खरखोदा में 800 एकड़ का प्लॉट उन्होंने लेकर के अपना तीसरा प्लांट जो है खरखोदा में लगाने की बात कही है, जिसमें 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए उद्योग के नाते हर छोटे बड़े क्षेत्र में एमएसएमई छोटा उद्योग देश भर में आह्वान हुआ है, एक जिला एक उत्पाद, हमने उसको आगे बढ़ाते हुए एक ब्लॉक एक उत्पाद यहां तक योजना बनाई है और 140 ब्लॉक्स में सब जगह किसी एक उत्पाद के लिए उद्योग लगाने की योजना बन गई है। लगभग 40 ब्लॉक में ये काम शुरू हो चुका है, जिसके अंदर हमको 14,000 एमएसएमई यानी ये फैक्ट्रीज इन 40 ब्लॉक में लगेंगी, 3,00,000 से ऊपर लोगों को ये रोजगार मिलेगा। इसकी जमीन भी ले ली गई है, इसके ऊपर काम भी शुरू हुआ है, शेष बचे ब्लॉक में भी दूसरे चरण में इस काम को हम शुरू करेंगे। निर्यात, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सब प्रदेशों को निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि ये भी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारा देश $5 ट्रिलियन के क्लब में ये शामिल हो, बहुत से कम देश हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखते हुए 5 ट्रिलियन, 4 या 5 देश ऐसे हैं जिनकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर भारतवर्ष कैसे शामिल हो इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा उसमें अपने योगदान को और आगे बढ़ाएगा। अभी तक हमारा जो निर्यात है वो लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का है, अगले वर्ष में इसको डबल कैसे किया जाए, सरकार के सभी विभाग इसके लिए लगे हैं, हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी इसके लिए बना दिया जो इन चीजों की चिंता करेगा, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी अपना योगदान करेंगे। जब हम चुनाव लड़े थे तो हरियाणा में ही हमने करनाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और उसको हमने 8 सालों में सिद्ध किया है कि जितने विकास के कार्य हैं वो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होंगे, पूरे हरियाणा में होंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि इन 2000 करोड़ रुपए के जो विकास के काम आज शिलान्यास उद्घाटन हुए, इसमें सब जिलों में 22 के 22 जिलों के प्रकल्प, कहीं इस बार थोड़े कम होंगे तो अगली बार वहां ज्यादा होंगे, तो इस बार जहां कहीं बहुत ज्यादा अगली बार थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन सम्यक विकास सभी जिलों का, सभी विधानसभाओं का, सभी ब्लॉक्स का, सभी जिलों का ये हम कर रहे हैं। और हमने इसके लिए हर योजना में, चाहे पिछला हमारा 5 वर्ष की योजना थी, इस बार की 5 वर्ष की योजना, 5-5 करोड़ रुपए आते ही विधायकों को कहा, किसी भी पार्टी के होंगे, पक्ष हैं विपक्ष हैं, हर एक को 5 करोड़ रुपया विधायक के अधिकार में दिया कि आप अपने काम जाकर के करा सकते हैं। अब ये भी कोई किसी प्रदेश में होता नहीं, हमने बिना किसी भेदभाव के सम्यक विकास के लिए ये काम किए हैं। 90 के 90 हलकों में सड़कों का जो नेटवर्क है ये बहुत मजबूत हो रहा है। नेशनल हाईवे ये भी इस समय पूरे प्रदेश में योजना के अंदर 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे ये मंजूर हुए, 7 उसमें पूरे हो गए हैं और शेष पर काम चल रहा है। इनके कंप्लीट होते ही प्रदेश का हर जिला किसी न किसी नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा होगा, ये उसका एक बहुत बड़ा विषय योगदान आएगा। जहां तक पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, इन पर भी लगातार काम चल रहा है। इस वर्ष की योजना में हमने हर एक विधायक को 25 करोड़ रुपए के मार्ग, चाहे वो ठीक कराने के हैं अथवा नए बनाने के हैं, वो राशि मंजूर की है हर एक विधानसभा में 25 करोड़ रुपए के। और ऐसे ही 5 क्रम के जो मार्केटिंग बोर्ड के रास्ते हैं, कोई भी रास्ता 5 क्रम का शेष न बचे ऐसा मार्केटिंग बोर्ड को कहा है, जिन्होंने 650 किलोमीटर की सड़कें इसमें शेष बताई हैं, वो भी उनको कहा कि आने वाले इस वर्ष में, अगले वर्ष में 650 किलोमीटर 5 क्रम के सब रास्ते कंप्लीट हो जाएं, ताकि ये टारगेट भी हमारा पूरा हो, इसलिए इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जहां तक गांव में तालाब का विषय है, तालाब गांव की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्रोत कभी हुआ करता था,
बाद में मशीनी युग होने के कारण से और तालाब धीरे धीरे गौण हो गए, उनकी उपयोगिता भी कम हुई। लेकिन ध्यान में यह आया है कि तालाब हमारे पानी का रिचार्जिंग का भी बहुत बड़ा स्रोत है। तालाब आज भी पशुओं के, खास करके दुधारू पशुओं के पानी पिलाने में, नहलाने में बहुत बड़ा उपयोग उसका होता है। लेकिन अगर दूषित पानी होगा तो सब बेकार होंगे। हमने हरियाणा पौंड अथॉरिटी ये बनाई, लगभग 18,000 तालाब ये हरियाणा में हैं, जिसमें से जो तालाब खराब स्थिति में हैं, कहीं कब्जे हो गए हैं, कहीं एरिया कम होने के कारण से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं पोल्यूटेड वाटर है, ऐसे 6,913 तालाब इनके मैंने पहचान की है जिनको तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत महोत्सव, ये अमृत काल के इस कार्यक्रम में उन्होंने अमृत सरोवर योजना बनाई, जिसमें कहा कि हर जिले में 75-75 तालाब इनको अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत साफ किया जाए। हम उस टारगेट की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 595 तालाबों का काम ये पूरा हो चुका है और 745 तालाबों का काम अभी चल रहा है। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 1340 तालाब ये उस योजना के अंतर्गत मैंने लिए हैं। शेष तालाब अथॉरिटी के माध्यम से और भी इसको हम पूरा करेंगे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार हमें बहुत सहायता कर रही है, कुछ तो केंद्रीय सरकार उनके विभागों की अपनी योजनाएं हैं, जिसके अंदर मैं कुछ नाम उल्लेख करना चाहूंगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसी प्रकार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी उद्योग का जितना सामान बनेगा और ये फ्रेट यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के माध्यम से इनको चाहे बंदरगाह तक ले जाने की बात है, चाहे बड़े स्थानों पर बिक्री के लिए इनका ट्रांसपोर्ट करने की बात है, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उस रेलवे मार्ग पर केवल जो है सामान की गाड़ियां, गुड्स ट्रेन वही चलेंगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी, ताकि जो सामान किसी एक स्थान से, मानो दिल्ली से मुंबई 2-3 दिन लगते थे, लेकिन अब सामान जो है जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे, 10 घंटे में 11 घंटे में दिल्ली से मुंबई ये सामान उत्पाद जो है ये पहुंचा करेगा, ताकि उसमें समय की बचत से खर्चे की बचत होती है। कई बार पेरिशेबल आइटम होती हैं, 2 दिन में सब्जी है, फल है, खराब होने का भय होता है, लेकिन वही अगर 8-10 घंटे में पहुंच सकती हैं चीजें, तो उसको भी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बहुत बड़ा एक उपयोग, दोनों ही हरियाणा से होकर के गुजरेंगे, एक अमृतसर से लेकर के कलकत्ता है और दूसरा दिल्ली से लेकर के मुंबई है। ये जो फ्रेट कॉरिडोर है इसका भी काम जोरों पर चल रहा है। जो हमारी केएमपी रोड है, कुंडली मानेसर पलवल, दिल्ली के अंदर की बजाय बाहर से सारा ट्रैफिक होकर के आए, ऐसे ही दूसरा कुंडली गाजियाबाद पलवल केजीपी, दिल्ली के रिंग रोड की ये लगभग 250 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई की सड़क ये है, इसका भी काम पूरा हुआ है, कनेक्टिविटी से बहुत बेहतर हुई है। और ऐसे ही इसके साथ साथ केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, पलवल से कुंडली तक एक रेलवे लाइन का भी बनाने का वो योजना डीपीआर बन चुका है, योजना पास हो गई है, जमीन एक्वायर हो रही है, तो उसके बनने से हम पश्चिम देश के पश्चिमी भाग को और उत्तरी भाग से जोड़ने के लिए दिल्ली छोड़ करके बाहर बाहर से पैसेंजर गाड़ियां, शताब्दी गाड़ियां, राजधानी गाड़ी, कोई भी गाड़ियां जो है दिल्ली के अंदर जाने के बजाय इस रूट से यदि आती हैं तो एक बहुत बड़ा लाभ ये जनता को होगा। ऐसे ही 2 बड़े रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS दिल्ली से, और एक अलवर का रास्ता है और जो हमारे यहाँ गुड़गांव रेवाड़ी होकर के निकलेगा, और ऐसे ही दिल्ली सरायकाले खान से करनाल का रास्ता है जो करनाल तक आएगा, टर्मिनेट होगा, ये भी योजना क्लियर हो गई है, बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है, ताकि पैसेंजर्स अपने वाहनों को छोड़ करके RRTS का उपयोग करेंगे। हर 8 किलोमीटर के बाद इनका जो रेलवे स्टेशन होगा, तो 8-10 किलोमीटर करने के बाद वो फास्ट स्पीड से गाड़ियां चलेंगी, लोगों को रोड ट्रैफिक से बच करके पहुंचने के लिए, अपने स्थानों पर, गंतव्य पर पहुंचने के लिए लाभ मिलेगा। सोनीपत जींद रेलवे लाइन, ये काम पूरा हो चुका है, एक बहुत बड़ा लाभ होगा। ROBs RU जहां पे स्टेट लेवल फंक्शन हो रहा है, उसी के साथ पलवल में भी बहुत कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है,
और हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री और यहाँ के जो विधायक हैं वो, और सुधीर राजपाल सर जो हमारे ACS ऑफिसर हैं वो हमारे बीच में आए हैं और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। पलवल के लिए जनरली ये कहा जाता है कि ये ग्रामीण जिला है, पर साथ में हम ये भी सुनते आए हैं कि भारत की आत्मा ग्रामों में ही बसती है, तो शहरीकरण जहाँ पे होना बहुत जरूरी है। और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे KMP बनने से और अब जो दिल्ली टू वडोदरा जो रोड जाएगी तो शहरीकरण तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पर जो गांव में जो आत्मीयता है वो अगर हम जिलों की बात करें तो बोला जाता है और कहते हैं उनकी तुलना करी जाती है, तो ये कहा जाता है कि पलवल के लोग बहुत मिलनसार हैं, तो वो प्रॉबेबली इसी चीज से निकल के आता है कि अभी भी जो है कहते हैं वो वाली बात यहाँ पे बनी हुई है। तो जहाँ पे हमें विकास करना है, हमें अच्छी सड़कें बनानी है, हमें शिक्षा की, स्वास्थ्य की मूलभूत सेवाएं देनी है, वहां पे हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जो अच्छी चीजें जिले में मौजूद थी लोगों में और आपस में वो एक इकाई की तरह खड़ा होकर एक दूसरे का साथ देते थे वो बनी रहे। तो हम देखेंगे कि भविष्य में पलवल भी पल्लवित हो जाएगा और उसका भी और भी चहुमुखी विकास होगा और हमारी जो राज्य सरकार है और जो हमारे कहते हैं वरिष्ठ अधिकारी हैं और मंत्री महोदय और जितने भी विधायक जी हैं वो सब के सब इसके लिए दृढ़ संकल्प हैं। और मैं आशा दिलाता हूँ, मैं इस चीज का भरोसा दिलाता हूँ कि हमारा जो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा आज के शिलान्यास समारोह में हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन समारोह है सर, जिसमें की सर्वप्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दावड़, कलसाड़ा और छायसा है। ये तीनों क्षेत्र मेवात रीजन में अधीन ब्लॉक में आते हैं सर, क्योंकि मेवात रीजन का जो अगर हम आंकड़ा देखें लक्ष्य उद्घाटन किया गया है, किस किस तरह के कौन कौन सी PSCs का उद्घाटन है? हरियाणा सरकार द्वारा पहले से ही PSC का निर्माण हो चुका है, जिसमें मैंने बताया उटावड़, कलसाड़ा और छायसा 3 PSC थे जिनका आज उद्घाटन हुआ है और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा के कपलों द्वारा ये उद्घाटन किया है और ये सब माननीय मुख्यमंत्री श्री हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार हुआ है। जिन्होंने आज करनाल में एक भव्य समारोह में 175 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है। किसान भाई देखो देख अंदर धुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। इसी 2021 में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य की प्रत्येक एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति का आकलन करने उपरांत किसानों को जरूरत के हिसाब से उसमें खाद डालने के लिए प्रोत्साहित करना है या प्रेरित करना है, जिससे भूमि की लागत भी कम हो जाए और किसानों की आय भी बढ़े। इस अभियान में किसानों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मृदा नमूनों को इकट्ठा करना उसी गांव से हुए चुने हुए हमारे किसान सहायकों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक किसान सहायक को इसके लिए 40 रुपए प्रति सैंपल के हिसाब से मानदेय दिया जा रहा है। हमारे जिला पलवल में 492 किसान सहायक नियुक्त किए गए हैं। इसके अंतर्गत सभी 28 लाख नमूनों को एकत्रित करने उपरांत मानदेय की राशि 11 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दी गई है। किसानों को अपनी मिट्टी के नमूनों की जांच कराने के लिए दूर न जाना पड़े, इसी को देखते हुए हरियाणा में पिछले 2 सालों से भूमि प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं का कार्यक्रम जारी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारे जिला पलवल में भी अधीन और हसनपुर में 2 प्रयोगशालाओं की आधारशिला आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे जो MP साहब है कृष्ण पाल गुर्जर जी रखेंगे। नमूने एकत्रित करने की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए मृदा नमूने विभाग द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत एक ऐप है, उसके द्वारा लिए जा रहे हैं, ताकि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान में अब सिर्फ 3 महीनों में 28 लाख सैंपल
ले लिए गए हैं जिनका जांच का कार्य जारी है और अगले साल के लिए 35 लाख का टारगेट सर रखा गया है और चालू वित्त वर्ष के लिए हमारे जिला पलवल में 97,592 सॉयल सैंपल ले लिए गए हैं जिनका अब जांच का कार्य प्रयोगशाला में जारी। तीन क्षेत्र की तरफ से आज माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हथीन क्षेत्र को जो सौगातें मिली हैं वो टावड़ पीएससी, छायसा पीएससी और कलसाड़ा पीएससी और लैब टेस्टिंग की जो ये प्रयोगशाला हमारे हथीन में खुलने जा रही है उसके लिए मैं हथीन क्षेत्रवासियों की तरफ से सम्मानित सभी सदस्यों का, माननीय अधिकारियों का और माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का, मुख्यमंत्री जी का, हथीन क्षेत्र की तरफ से सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और माननीय मंत्री जी से निवेदन भी करता हूँ कि माननीय मंत्री जी हमारा जो हथीन क्षेत्र विकास की दृष्टि से पहले पिछड़ा हुआ था, आपके आशीर्वाद से आज चाहे सड़कों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, सभी क्षेत्रों में आज आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से 7-8 स्कूल अपग्रेड कराने, मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने और सड़कों का जो जाल आपके आशीर्वाद से बिछाया गया, जो हमारे क्षेत्र की पुरानी मांगे थी हथीन बाईपास की, लगभग 60 करोड़ की लागत से आपके आशीर्वाद से वो भी बनने जा रहा है और 67 करोड़ की लागत से आज जो ये पलवल से हथीन और हथीन से उटावड़ का जो चौड़ीकरण का और फोर लाइन का जो एक कार्य शुरू हुआ आपके आशीर्वाद से, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे हथीन क्षेत्र के ऊपर, पलवल जिले के ऊपर बना रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद और भरोसा भी है। आने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और साथ में हमारे एसीएस साहब माननीय सुधीर राजपाल जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे भाई दीपक कोंगला जी विधायक पलवल, भाई प्रवीण डागर जी, डीसी साहब, एडीसी साहब, कतियाल साहब, भाई चरण सिंह जी, भाई सुरेंद्र जी, सभी ऑफिसर साहिबान का इस सभा में आने पर स्वागत करता हूँ। और आज जो परियोजनाएं माननीय हमारे मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से होडल, हथीन, पलवल तीनों विधानसभाओं में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का आज हमें जो सौगात माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो सौगात के रूप में दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आपका विशेष तौर पर हमारे पर आशीर्वाद है, पलवल में आप अथक प्रयास करके अच्छी अच्छी योजनाओं का, आज होडल में आपने 66 KV सब स्टेशन पंचारी का जो पैसा देकर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बिजली सुविधा से एक लाभ दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे तो महोदय जी मंत्री महोदय जी, आपने सड़क 21 नई सड़कों पर काम किया जा रहा है, 18 फुट की नई सड़कें बनाई जा रही हैं, पहले ये 11 फुट की होती थी, 12 फुट की होती थी। बिजली जगमग योजना के तहत नया बिजली घर आपने हमें दिया। पीने के पानी जल जीवन मिशन के तहत हमारे टोटल विधानसभा क्षेत्र में लगभग सभी गाँवों में ये कार्य पूरा होने जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं आपने 3 PHC सेंटर हमें दिए, खामी भिड़ूकी और खामी का, भिड़ूकी का और बुलवाने का। महाग्राम योजना के तहत आपने 50 करोड़ रुपए हमें दिए, इनमें सीवर योजना चल रही है और वहां के गंदे पानी की निकासी के लिए शहर जैसा सिस्टम बनाया जा रहा है। यमुना पुल का काम हसनपुर में आपने हमें ये योजना, बहुत बड़ी योजना मंजूर करा के दी, उस पर धीरे धीरे काम यूपी की तरफ से चालू हो गया। दिगोड़ से बामनीखेड़ा आरओ बनाया जा रहा है जिसका काम भी अभी जल्दी पूर्ण होने जा रहा है। हॉस्पिटल्स, होडल हॉस्पिटल्स का भी बहुत अच्छा उद्धार आपने किया, उसमें आपने अच्छी सुविधाएं देकर हमें जो वहां के लोगों को लाभ दिया, मैं आपका धन्यवादी हूँ। माता शक्ति सरोवर होडल के विकास में आपने हमें योगदान दे के 5-6 करोड़ रुपये दे के आज होडल की जनता को एक अच्छा घूमने का पार्क आपने वहाँ दिया। पीने के पानी की बूस्टरों की अच्छी बूस्टर बनाए जा रहे हैं। गंदे पानी निकासी के लिए 8 करोड़ रुपए आपने होडल शहर के लिए दिए। बस स्टैंड हसनपुर और होडल का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। ग्रामीण विकास के लिए 5 करोड़ रुपए, सिंचाई में 20 करोड़ रुपए और तालाबों की खुदाई आदि के ये विकास कार्य होडल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ की लागत से माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर साहब
और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से बहुत तेजी से बोडल विधानसभा क्षेत्र का जो विकास हो रहा है मैं उनका आपका अलग से उनकी एक नजर रहती है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम हो। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो एक हमारा ओवरब्रिज रुका हुआ था उसका कार्य पूरे हुआ, जो हमारे और बड़े बड़े यहाँ पर आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, चाहे वो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का काम है, चाहे फ्रेट कॉरिडोर का काम है, चाहे जो हमारा केएमपी पलवल से सबसे पहले यहाँ पर मानेसर से पलवल सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, और भी गांवों के अंदर जो हमारे पीएचसी के काम जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने अभी बताए, उतने काम जो है यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में और बड़ी तेजी से हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो आज उद्घाटन हुआ है वो एक हमारे इस कृषि प्रधान जिले के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हम जितने भी ज्यादा से ज्यादा अपने किसानों को इस तरह की जानकारी दे पाएंगे तो हर एक किसान उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अपनी उपज और अपनी आमदन को बढ़ा पाएगा आगे आने वाले समय। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी सरकार की तरफ से। और हमारे यहाँ के डीसी साहब मुनीष शर्मा जी, एडीसी साहब मीना जी, दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी, सुरेंद्र जी, पूर्व मंत्री कतियाल जी और सभी आए हुए अधिकारीगण और कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार और छायाकार मित्रों, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें विस्तार से आपके सामने रखी है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, हरियाणा के लोगों ने व्यवस्था का परिवर्तन किस तरह किया जाता है वो देखा है। एक पारदर्शी सरकार, एक ईमानदार सरकार लोगों ने पिछले 8 साल में सिर्फ देश में नहीं प्रदेश में भी देखी है, और मुख्यमंत्री जी उसके लिए समय समय पर नए नए फैसले लेते हैं। जैसे आज ही कहा कि क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी उन्होंने बनाने की आज घोषणा की है, और उसमें जनता को भी आह्वान किया है कि कहीं भी कोई कमी नजर आए तो सीधे उसकी कंप्लेंट करें। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन हरियाणा में मनोहर जी की सरकार आने से पहले जो सरकारों पर क्षेत्रवाद का, भाई भतीजावाद का आरोप लगता था, उन आरोपों से अगर किसी ने पूरे प्रदेश को मुक्ति दी है तो उनका नाम है मनोहर लाल जी। आज बड़े से बड़ा विरोधी भी ये नहीं कह सकता कि विकास एक क्षेत्र में है, अगर समान विकास की शुरुआत किसी ने की है, वरना रोज आरोप लगते थे कि एक क्षेत्र में इतना पैसा, आरटीआई से लोग पूछते थे, आज पूछे आरटीआई से कि किस जिले में कितना पैसा लगा है, कोई आरोप नहीं लगा सकता किसी जिले के साथ भेदभाव होता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे यहाँ के डीसी साहब मुनीष शर्मा जी, एडीसी साहब मीना जी, किस क्षेत्र को कितनी योग्यता के आधार पर नौकरी, सारी बातें हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा में जो परिवर्तन, कितने हाईवे पिछले 8 सालों में बने हरियाणा में, मैं देश की बात नहीं कहता, और आज भी 2000 करोड़ से की मैं देख रहा था उसमें हमारे लोकसभा क्षेत्र पलवल में कितने, लगभग 350 करोड़ से ज्यादा का आज इन दोनों जिलों में आज उन्होंने लोकार्पण या शिलान्यास किया है, और ऐसे तमाम जिलों में किया है, कोई जिला नहीं कह सकता कोई विकास से अछूता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन देश में नहीं हरियाणा में देखना, और फरीदाबाद और पलवल की तो मैं समझता हूं पूरे हरियाणा की जहां काया पलट की है
आप पिछले 8 सालों में देखेंगे कितना परिवर्तन, जो लोग पहली बार आ रहे हैं या 8 साल बाद फरीदाबाद और पलवल आते हैं तो उनको अपना आप दिखता होगा, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो महाविद्यालय हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हैं, आरओबी हैं, आरयूबी हैं, हाईवेज हैं, स्कूल हैं, नहरें हैं, पीने का पानी है, मतलब हर क्षेत्र में तो पिछले 8 सालों में काम हुए हैं। कार्यक्रम के बारे में बताएं किस तरह का शिलान्यास हुआ, किस तरह। देखिए, आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तमाम हरियाणा के 22 जिलों में 2000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और उनका शिलान्यास किया है, जिसमें हर जिले में वहाँ के मंत्री, वहाँ के विधायक, अधिकारी अपने अपने स्थानों पर सबने उनके साथ मिलकर इस समारोह में शिरकत की है। पलवल और फरीदाबाद के लिए भी आज इस परियोजनाओं में लगभग 350 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे सब जनप्रतिनिधियों के द्वारा हुआ है। और पिछले 8 सालों में देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और हरियाणा के बहुत ही ईमानदार और यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सहयोग से देश और प्रदेश का तो तेजी के साथ विकास हुआ ही है, लेकिन फरीदाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाले फरीदाबाद और पलवल का भी जिस तेज गति के साथ वहां पर विकास देखने को मिला है वो अपने आप में एक मिसाल है। उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने दोनों जिलों के लोगों की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और एक ऐसी सरकार हरियाणा को मनोहर जी के नेतृत्व में मिली है जिन्होंने समान विकास और योग्यता के आधार पर नौकरी, इस सरकार से पहले जो हम अनेक सरकारों पर जो भेदभाव के आरोप लगते थे विकास के मामले में, ये मनोहर जी की पहली सरकार है जिसपे कट्टर से कट्टर विरोधी भी भेदभाव का आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और उसी को लेकर तमाम हरियाणा का समान विकास मनोहर जी की सरकार कर रही है। इसलिए किसी के मुंह पर भेदभाव आ ही नहीं सकता, ये व्यवस्था परिवर्तन मनोहर जी ने हरियाणा में करके दिखाया है। आज सीएम साहब ने एक अपील भी की है सर, किस तरह की अपील रही? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब से आए हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का हर भरसक प्रयत्न किया है। आज भी उन्होंने कहा है कि क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का वो गठन करने जा रहे हैं कि कामों में गति भी बनी रहे, गुणवत्ता भी बनी रहे। उसके लिए उन्होंने जनता से भी और चुने हुए प्रतिनिधियों से भी आह्वान किया है, आए और कहीं भी उनको लगता है कि काम की गुणवत्ता में कोई कमी है, कोई गड़बड़ है, तो तुरंत उसकी पोर्टल पे जाके कंप्लेंट करें। निश्चित तौर पर उसकी जांच होगी, अगर कमी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। किस दिन घोषणा होने जा रही है? देखिए, अभी BC1 को जो रिजर्वेशन था उसका रास्ता साफ हो गया है, अभी वो नोटिफिकेशन के लिए गवर्नर साहब के पास किया है। नोटिफिकेशन आते ही उसके तुरंत बाद पंचायत चुनावों की घोषणा होने वाली है। अभी माना जा रहा था कि जिस तरह से शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम जो समारोह किया गया उसके चलते, ये नियमित प्रक्रिया है, कोई भी सरकार हो ये उद्घाटन और शिलान्यास लगातार चलते रहते हैं, कोई पहली बार नहीं है। पिछले 8 सालों में कितनी बार शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, और मोदी मनोहर जी की सरकार आने के बाद तो झड़ी लगी हुई है उद्घाटन शिलान्यास। डेट है संभावित? देखिए, चुनाव बहुत नजदीक है और किसी भी समय इसकी घोषणा हो सकती है। किस दिन घोषणा होने जा रही है? देखिए, अभी BC1 को जो